हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर और उसकी जो थर्ड यूनिट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। उसका एक पॉइंट है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, यदि कोई कण सरल रेखा, हमने कोई एक रेखा मान ली है ओ एक्स, सरल रेखा हमने मान ली है के अनुदिश, सरल रेखा के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि कण जब t समय पर बिंदु P पर हो और टी समय के बाद में, यानी डेल टी इसमें और ऐड कर देते हैं समय, तो वह बिंदु क्यू पर हो। तो टी समय पर बिंदु पी पर हो तथा टी प्लस में डेल टी समय पर बिंदु क्यू पर हो, जहां ओ एक्स जो सरल रेखा है और इसके बाद में हमने इसको किया कहा था कि जब कण टी समय पर हो तो बिंदु पी पर होगा, तो यानी ओ पी जो है वो हमने इसकी दूरी जो है एक्स मान ली, और जब डेल्टी टी प्लस डेल्टी समय पर हो तो बिंदु क्यू पर होगा, यानी ओ क्यू जो है वो क्या होगा एक्स प्लस में डेल एच। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कण की यह गति क्या कहलाती है? अभी सरल रेखीय गति कहलाती है। यानी ये हमारे पास कोई ओ एक्स है, सरल रेखा है, और कण जो है वो इधर गमन कर रहा है एक्स की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने कोई बिंदु ये पी मान लिया और ओ पी जो है वो टी समय पर कण ओ से टी समय पर बिंदु पी पर आ जाता है, यानी यहाँ पर आ जाता है, तो ये दूरी हो गई हमारी एक्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जब डेल टी समय पर, यानी टी प्लस डेल टी समय जब होता है तो बिंदु जो है क्यू पर आ जाता है कण। हमने क्या मान लिया? क्यू यहाँ पर मान लिया है, जो कण है वो यहाँ पर आ जाता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो एक्स प्लस डेल एक्स हो गई, और ये जो दूरी है वो हो गई डेल एक्स। तो इस प्रकार हम इसको दर्शा सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में देखिए हमें क्या पता चल रहा है कि जब ये टी समय में हो गया और ये प्लस में डेल टी समय है, यानी डेल टी समय में इसने कितना दूरी तय किया है? डेल एक्स दूरी तय की है। तो इसे हम लिखेंगे कि अतः कण द्वारा डेल टी समय में तय की गई दूरी कितनी हो गई? भाई हमारे पास डेल एक्स हो गई। तो देखिए दोस्तों, डेल टी समय में इसने डेल एक्स दूरी तय की है। तो समय के साथ हमें पता है कि किसका परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन करने की दर को हम वेग कहते हैं। भाई तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं भी दोस्तों? वेग कहलाती है। समय के साथ जब हम विस्थापन का परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन की जो दर है उसे वेग कहा जाता है।
तो कण का वेग निकालने के लिए देखिए दोस्तों, जब अतः कण का वेग, वेग बराबर क्या होता है, अभी हमें v लिया है, v बराबर लिमिट डेल टी, समय में हमने परिवर्तन किया है तो कितना परिवर्तन हो रहा है अभी, डेल एक्स किसके सापेक्ष, डेल टी के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, तो जब इसको हम आगे लिखेंगे कि v बराबर टी एक्स बटे में डी टी, ये हो गया हमारा कण का वेग। हाँ तो दोस्तों, ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ है वो v बराबर डी एक्स फॉर्म में डी टी, जो कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, कण का वेग प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आप हमें पता है कि यदि वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है अभी, उस दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो तथा वेग में समय के साथ सापेक्ष परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन की जो दर है, परिवर्तन की दर क्या कहलाती है अभी, त्वरण कहलाती है दोस्तों। तो देखिए त्वरण किस प्रकार निकालेंगे, तो अतः कण का त्वरण, यहाँ पर हम त्वरण को स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए कण का त्वरण जो है एफ बराबर डी वी, वी यानी वेग में परिवर्तन किया है हमने, किसके सापेक्ष किया है, समय के सापेक्ष, यानी वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन किया है, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, त्वरण बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको जब हम आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ और इससे रिलेटेड हमें तथ्य प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जब f को मैं क्या लिखूं, यानी d पॉन में dt, इसको मैंने v को अलग कर दिया है, और v का आपको पता ही है, हमने थोड़ी देर पहले v बराबर क्या निकाला था अभी, टी एक्स पॉन में dt निकाला था। तो ये जो v का मान है वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया डी एक्स पॉन में dt। तो ये क्या हो गया दोस्तों, देखिए d पॉन में dt और dx पॉन में dt, यानी डी स्क्वायर एक्स बटे में dt स्क्वायर, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक। तो इसके बाद में भी देखिए दोस्तों, हमें इसे आगे और सोल्व करते हैं, तो देखिए वापस इसी समीकरण को लेते हैं, यानी f बराबर dv पॉन में dt, एक स्टेप तो हमारा ये हो गया। इसके बाद में देखिए, इसको जब हम आगे और सोल्व करते हैं, तो यानी dv को मैं अलग लिख देता हूँ और dx से भाग और dx से गुणा कर देता हूँ, तो ये dv पॉन में dx से भाग कर दिया और dx से गुणा बटे में dt, ये देखिए हम वापस इसको काटेंगे तो dv पॉन में dt हमारा वापस यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो मैं इसको ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये हमें पता है कि dx पॉन में dt क्या है, हमारे पास v है, तो इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ कि dv पॉन में dx डॉट v, या f बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें दोस्तों, v डॉट dv पॉन में dx, एक हमें त्वरण का मान ये प्राप्त हो गया, और एक हो गया हमारे पास त्वरण का मान ये वाला प्राप्त हो गया है। तो इसको मैं समीकरण एक नाम दे देता हूँ, इसको दो और इसको तीन। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास तीन प्रकार से त्वरण के जो मान है, हमें जिस प्रकार हमें इनकी आवश्यकता होती है, हम उसी प्रकार इनका यूज करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जब हम इसे आगे और लिखेंगे कि f बराबर, पहले हमारे पास क्या है भी, dv पॉन में dt है, इसको हमने और सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया था डी स्क्वेयर एक्स पॉन में डी टी स्क्वेयर बराबर, इसको भी हमने और सॉल्व किया तो v डॉट टी वी पॉन में डी एक्स हमें प्राप्त हुआ। यानी ये त्वरण के हम इन तीनों मानों को जिस प्रकार हमें क्वेश्चन के अंदर आवश्यकता होगी, उसी प्रकार हम इनका यूज लेंगे।